नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। दोस्तों, एक भर्ती निकाली गई है, परमानेंट जॉब है एनआईटी कुरुक्षेत्रा में, और यहाँ पे आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक वाले इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लाइब्रेरियन स्टेनोग्राफर के लिए भी पद निकाला गया है। इसके बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप आईटीआई किए हैं तो आप तैयारी करना शुरू कर दिए, क्योंकि जो 2024 से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है और भर्ती आ भी रही है। आपको पूरी शिद्दत के साथ 1 साल 12 महीने अपने आप को देना होगा, तब जाकर आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं। चाहे रेलवे की बात करें, मेट्रो की बात करें, इसरो की बात करें, डीआरडीओ की बात करें, जो भी सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, जो भी सेक्टर में आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब पाले आईटीआई के बाद, तो आपको तैयारी करना पड़ेगा। और इसी तैयारी को पूर्ण रूप देने के लिए ईजी वे कोचिंग की तरफ से नया बैच स्टार्ट हो गया है। लाइव बैच है, ऑनलाइन लाइव बैच ज्वाइन कर लीजिए, 13 जनवरी से स्टार्ट है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप रेलवे का भी स्पेशल बैच को ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, सारे बैच अवेलेबल है। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। इसके अलावा अगर ऑफलाइन का इंतजार कर रहे हैं तो आने वाले अगले महीने फरवरी लास्ट तक हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल इस वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। डीआरडीओ के लिए थोड़ा सा मैं बताता हूँ। डीआरडीओ का एग्जाम जो 22 तारीख को होने वाला है, जिसका पेपर कैंसिल हुआ था, उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए आप तैयार रहेंगे। स्किल टेस्ट का पहला बैच मेरे यहाँ स्टार्ट हो गया, दूसरा बैच 26 या 27 तारीख को स्टार्ट होने वाला है। तो आप प्री रजिस्ट्रेशन चला है, 100 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो बैठिएगा नहीं, क्योंकि एग्जाम के बाद बहुत कम टाइम मिलता है आपको स्किल और तैयारी के लिए। मतलब जैसे रिजल्ट जारी करा, स्किल टेस्ट के लिए आपको बुला लेगा। तो अगर आपको लगता है कि मेरा नंबर ठीक है तो पहले से तैयारी में लग रही है, इसके बाद भी हम बैचे चलाएंगे, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको nitkkr.ac.in ये डालेंगे गूगल में तो ये पेज खुल जाएगा। और ये पेज जो है NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र का, ये ऑफिशियल पेज है। और यहाँ पे जैसे ओपन करेगा तो यहाँ पे देखिए एक अनाउंसमेंट में आएंगे, यहाँ पे नोटिफिकेशन में, ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको जनवरी 13 जनवरी 2023 का ये नोटिस है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 13 जनवरी 2023, और इस नोटिस में जिक्र किया गया है इस नोटिफिकेशन का, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2023, ठीक है ना, फॉर पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, और यहीं से अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। ये रिक्रूटमेंट पोर्टल है, यहाँ से ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में डिटेल्स में हम वीडियो आईटीआई इंस्टीट्यूट चैनल पे अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। आईटीआई जो इंस्टीट्यूट चैनल है उस पर हम इसका डिटेल्स वीडियो अपलोड कर देंगे कैसे अप्लाई करना है। तो आईटीआई इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए हम इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं। नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ये रहा इसका नोटिफिकेशन, और इस नोटिफिकेशन में डिटेल्स में सारा चीज़ें दिया गया। आइए समझ लेते हैं इस चीज़ को, क्या क्या इसमें दिया गया, ठीक है। ये नोटिफिकेशन रहा, आप देख सकते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र, और यहाँ पे सीटों को संख्या दिया गया, ठीक है। ऊपर से देखिए जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, स्पोर्ट पर्सन का है, ठीक है, लाइब्रेरी असिस्टेंट का है, स्टेनोग्राफर का है, और इसके बाद नीचे के दो 10 और 11 जो पोस्ट है यहाँ पे, सीनियर टेक्नीशियन और आपका ये टेक्नीशियन, ये दो जो पद है आईटीआई डिप्लोमा वाले के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे पद की संख्या की बात करें तो कुल 14 पोस्ट है, और किसमें, सीनियर टेक्नीशियन में, और हम बात करें टेक्नीशियन का, इसमें 21 पद है, ठीक है ना। 14 और 21 सीटों पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो सैलरी है पे स्केल 25,500 से लेकर 81,100 रुपये है, किसमें, सीनियर टेक्नीशियन में, और टेक्नीशियन में यहाँ पे 21,700 से लेकर 69,100 रुपये हैं, ठीक है। ये सैलरी रेंज है, स्टार्टिंग 35-40 हज़ार आपको मिलेगा। और NIT का जो जॉब होता है, जो टीचिंग वाला जॉब होता है, जिसमें आपको लाइव असिस्टेंट का काम मिलता है, काफ़ी मस्त है, सबसे बेस्ट है, PSU से भी हम अच्छा मानते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सुविधाएं आपको मिलता है, काम बहुत कम होता है, बिल्कुल रॉयल जॉब होती है, ठीक है ना, काम भी करने में आपको मजा आएगा, ठीक है। तो ये रहा इसका पोस्ट का डिटेल्स। अब इसके क्वालिफिकेशन को समझ लेते हैं, ठीक है। इधर बीटेक वाले के लिए है, डिप्लोमा वाले के लिए, आप लोग अगर देख रहे हैं वीडियो तो यहाँ समझ लेंगे डाउनलोड करके कि आपके लिए यहाँ पे दिया गया, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम सीधे चलते हैं आईटीआई वाले के पास, जो आईटीआई डिप्लोमा के लिए दिया गया उस क्वालिफिकेशन को हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 10 नंबर पहले देखते हैं, ये रहा 10 नंबर,
और 10 नंबर में बोल रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग तो समझ में बहुत सारा चीज आएगा। बोल रहा है सीनियर टेक्नीशियन, ठीक है ना, सीनियर टेक्नीशियन में 14 पोस्ट है, ठीक है। और ये 14 पोस्ट में बोला कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए एक पद है जिसमें एक एसी है और एक अनरिजर्व है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक पद है, मैकेनिकल में एक है, और इसी तरह सारे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी यहाँ पे एक पोस्ट निकला है, जनरल एक ओबीसी के लिए, ठीक है ना। तो ये तमाम पद यहाँ पे लिखा हुआ है, और वहाँ पे जो सीट आपको दिखा रहा था वो कंबाइन में 14 दिखा रहा था, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बोला कि फॉर इंजीनियरिंग ट्रेड और कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले इसमें अप्लाई करेंगे, लेकिन डिटेल्स में क्वालिफिकेशन दिया है कि अगर आप 10+2 हैं, 12th पास किए हैं, ठीक है ना, किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से, ठीक है, और 12th में आपका 50% है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ITI होना चाहिए, एक साल का ITI का कोर्स होना चाहिए, जैसे कोपा है, डीजल मैकेनिक्स वाले हैं, ठीक है, जो भी एक 1 ईयर वाले कोर्स है या 2 साल वाले कोर्स, फिटर वाले, इलेक्ट्रीशियन वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहला कंडीशन ये रहा। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि जो 12th नहीं किए हैं उनके लिए बोल रहा है कि जो 10वीं पास हो, और 10वीं में आपको 60% मार्क्स चाहिए, ठीक है ना, 10वीं पास होना चाहिए जिसमें 60% मार्क्स हो, और आपका ITI 2 साल का है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास कंडीशन डाला है, 60% मार्क्स होना चाहिए 10वीं में, और आपने 2 साल का ITI किया तो अप्लाई कर सकते हैं, या 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ और 1 साल का ITI तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 ऑप्शन हो गया। तीसरा में बोल रहा है कि डिप्लोमा वाले अगर बच्चे हैं कोई, जो 3 साल का डिप्लोमा किए हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और हायर क्वालिफिकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर डिग्री, बीटेक वाले भी, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो 33 साल मैक्सिमम एज दिया हुआ है, और इसके अलावा एज में आपको छूट भी दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये रहा हमारा सीनियर टेक्नीशियन का। अब हम बात करेंगे टेक्नीशियन का। टेक्नीशियन में 21 सीट है टोटल। अब 21 में से सीटों का बंटवारा यहाँ पे की है अलग अलग डिपार्टमेंट का, ठीक है ना। कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उस सारे डिपार्टमेंट का यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। कोपा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पे देखिए, सेम कंडीशन वही है, 10+2 प्लस 50% मार्क्स हैं, अगर आपने 12th पास किया और 1 साल का आपका ITI है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो 10वीं पास है आप 60% मार्क्स के साथ और आपका 2 साल का ITI है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिप्लोमा वाले भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया, इस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे डिटेल्स दिया है कि जो फॉर्म भरा जाएगा वो अप्लाई आपको ऑनलाइन मोड में करना है, ठीक है ना, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है। अप्लीकेशन फी की बात करें तो आपको नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी है, ₹500 आपको पेमेंट करना होगा, और ये जो ₹500 पेमेंट करना है वो कैटेगरी है अनरिजर्व, जनरल कैटेगरी, EWS वाले, OBC वाले, जितने भी कैंडिडेट हैं इसमें आपको ₹500 फी देना होगा। लेकिन SC ST और PWD वाले के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, मतलब जो फीमेल भी है उनको भी पैसा देना होगा इसमें, ठीक है ना। तो ये रहा है आपका फॉर्म भरने का डिटेल्स। अब फॉर्म ऑनलाइन जो भरना है आपको स्टार्टिंग में वेबसाइट बता दिया, इसके अलावा हम ITI इंस्टीट्यूट चैनल पे फॉर्म भर के बताएंगे, जिसमें आपको अमित सर ये चीज को डिटेल्स में बता देंगे, ठीक है। बाकी इसमें एक चीज और लिखा हुआ है जो आपको मैं बताता हूँ, इसमें रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, रिटन एग्जाम प्लस स्किल टेस्ट होगा। तो जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेगा उसके बाद उसका स्किल टेस्ट होगा, और स्किल टेस्ट के बाद आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो रिटन एग्जाम के बेस पे बनेगा। ये सारा डिटेल्स आपको फॉर्म भरने के बाद वेबसाइट पर अपडेट दिया जाएगा, ठीक। एज का छूट यहाँ पर दिया गया डिटेल्स में, ठीक है, देख लीजिएगा। SC ST का 5 साल है, OBC का 3 साल है, PW अनरिजर्व वाले 10 साल है, PWD OBC से है 13 साल है, PWD हैंडीकैप है, और SC ST से 15 साल है, ठीक है। 7th पे आपके सैलरी में लागू रहेगा। और ये जो डेट है, डेट समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट डेट है यहाँ फॉर्म भरने का, 13-1 से फॉर्म स्टार्ट है, ठीक ना, 13 जनवरी से स्टार्ट है, और इसका जो आखिरी डेट है 28-2 है, ठीक है ना, 28 फरवरी तक फॉर्म भरा जाएगा, 13 जनवरी से स्टार्ट है फॉर्म, ठीक है। तो फॉर्म को भर लीजिएगा फटाफट, और भर के आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है और इसका तैयारी में लगे रहना है। अब तैयारी के लिए यही है कि अगर आप ढंग से तैयारी करेंगे तो भर्ती की कमी नहीं है, हमेशा वैकेंसी आ ही रही है। सेल में 4 को भर्ती आया, 4 सेल में भर्ती आया, 2 NPCIL में आया, NIT में 3-4 में आ चुका है, तो भर्ती लगातार आ रही है। बस है कि आप पढ़ के तैयार हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगा, और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता है। जो जिद्दी है, जो अपने जिद पर है कि हम नौकरी लेकर ही मानेंगे, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारा मौका मिलता है, और मौका को अगर मौका पे अगर चौका लगाते हैं, मतलब मौका देखकर अगर आप तैयारी कर रहे हैं कि हाँ आने वाले दिनों में बहुत भर्ती आने वाली है, हम पहले से पढ़ के रेडी रहें, तो डेफिनेटली आपको नौकरी मिलता है। नहीं तो फॉर्म आने के बाद तो बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग
ट्राई करते हैं लेकिन उनका होता नहीं है, तो इसीलिए पहले से तैयार रहिए। इजी वे में बैच स्टार्ट हो गया, आपको नीड है कि हम ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर तो ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लासेस भी चल रहा है। ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो फरवरी लास्ट तक बैच आ जाएगा, और DRDO में है स्किल टेस्ट का तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए भी हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए आज और अभी के लिए बस इतना ही था, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।